हलो स्टेंटैंड लेटर्स कंसीडर अनदर एग्जाम्पल स्कूल वांट्स टू स्पेंड रुपीज सिक्स थाउजेंड ऑन मैथमेटिक्स टेक्स बुक्स राइट स्कूल जो है मैथमेटिक्स की टेक्स बुक पर सिक्स थाउजेंड रुपीज स्पेंड करना चाहती है। हाउ मेनी बुक्स कोड बी बॉट एट रुपीज़ फोर्टी एच फोर्टी रुपीज़ में कितनी बुक्स खरीद सकते हैं क्लियरली वन फिफ्टी बुक्स कैन बी ब्रॉट बॉट इफ़ प्राइस ऑफ बुक इज़ मोर देन फोर्टी रुपीज़ दैन नंबर ऑफ़ बुक्स विच बी परचेज विद सेम अमाउंट ऑफ मनी वुड बी लेस दैन वन फिफ्टी राइट अगर प्राइस चालीस से ज़्यादा है तो सिक्स थाउजेंड रुपीज़ में कम बुक्स हम खरीद सकते हैं ऑब्जर्व द फॉलोइंग टेबल राइट प्राइस ऑफ ईच बुक फोर्टी है तो वन फिफ्टी फिफ्टी प्राइस है तो वन ट्वेंटी बुक ही ले सकते हैं सिक्सटी अगर प्राइस है एक बुक की तो सिर्फ हम कितने हंड्रेड बुक्स ले सकते हैं सेवेंटी फाइव अगर प्राइस है तो एटी बुक्स ही खरीद सकते हैं एटी अगर प्राइस है तो सेवेंटी फाइव बुक्स खरीद सकते हैं और हंड्रेड रुपीज़ एक बुक की प्राइस है तो सिक्सटी बुक ही खरीद सकेंगे मतलब जैसे जैसे यहाँ प्राइस बढ़ती जाती है फोटी से फिफ्टी राइट फिफ्टी से सिक्सटी नंबर ऑफ बुक्स फिर कम होते जाते हैं यहाँ वन फिफ्टी फिर वन ट्वेंटी हंड्रेड राइट तो एक बढ़ता है एक कम होता है ओके okay. तो इसको हम इनवर्स प्रोपोर्शन बोलेंगे वॉट डू यू ऑब्जर्व यू विल अप्रिसिएट दैट एज द प्राइस ऑफ द बुक्स इनक्रीज द नंबर ऑफ बुक्स दैट कैन बी बॉट कीपिंग द फंड कॉन्स्टेंट विल डिक्रीज रेशियो बाई विच द प्राइस ऑफ बुक्स इनक्रीजिस वैन गोइंग टू फोर्टी टू फिफ्टी इज़ फोर इंस टू फाइव एंड द अदर इन द रेशियो बाई विच द करस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ बुक्स डिक्रीजिस फ्रॉम वन फिफ्टी टू वन ट्वेंटी इज फाइव इंस टू फोर राइट तो यहाँ पर रेशियो कितना है फोर्टी फिफ्टी का फोर इंजू फाइव और यहाँ वन फिफ्टी और वन ट्वेंटी का फाइव इंस टू फोर हो जाता है तो इनवर्स प्रोपोर्शन हो गया इनवर्स रेशियो हो गया राइट दिस मीन्स दैट द टू आर रिशिच अदर ओके एक फाइव इंस टू फोर है दूसरा फोर इंस टू फाइव नोटिस दैट द प्रोडक्ट ऑफ द करस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ द टू क्वान्टिटीज इज कॉन्स्टेंट राइट प्रोडक्ट ऑफ करस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ टू क्वांटिटीज़ क्या है कॉन्स्टेंट है दैट इज फोर्टी टू वन फिफ्टी जी फिफ्टीन टू वन टी सिक्स थाउजेंड इफ वी रिप्रेजेंट द प्राइस ऑफ वन बुक एज एक्स राइट एक बुक की प्राइस एक्स एंड द नंबर ऑफ बुक्स बॉट एज वाई राइट प्राइस को एक्स लेते हैं और नंबर ऑफ बुक्स को वाई लेते हैं देन एज एक्स इंक्रीजेज वाई डिक्रीज एंड बाईस वर्षा एक्स इंक्रीज होगा तो वाई डिक्रीज होगा और उसका उल्टा राइट मतलब एक्स डिक्रीज होगा तो वाई इंक्रीज होगा राइट इसका उल्टा क्या होगा एक्स डिक्रीज होगा वाई इंक्रीज होगा इट इज इंपोर्टेंट टू नॉट दैट द प्रोडक्ट एक्स वाई रिमेन्स कॉन्स्टेंट वी सेट

तो इनवर्स रेशियो है दोनों में के बींग कॉन्स्टेंट इफ वाई वन बाई टू आर द वैल्यूज ऑफ वाई करस्पॉन्डिंग टू दैल्यूज एक्स वन एक्स टू ऑफ एक्स रिस्पेक्टिवलीवल एक्सल टू वाई वन बाई वाई टू बाई वाई वन राइट तो क्या हो जाता है यहाँ पर एक्स वन एक्स टू है यहाँ क्या हो जाता है वाई टू बाई वाई वन राइट उल्टा हो जाता है We say that X and Y are in inverse proportion. Hence, in this formula, cost of a book and number of books purchased in a fixed amount are inversely proportional. Okay. Right. Inversely proportional. Similarly, speed of a vehicle and the time taken to cover a fixed distance changes in inverse proportion. Right. Speed of vehicle or time taken to cover distance. दे आर इनवर्स इन इनवर्स प्रपोशन थिंक ऑफ मोर सच एग्जाम्पल्स ऑफ पेयर्स ऑफ क्वान्टिटीज दैट वेर इन इनवर्स प्रपोशन तो ऐसे आप दूसरे एग्जाम्पल भी सोचिए जो इनवर्स प्रपोर्सन में है यू मे नाउ हैव अ लुक एट द फर्नीचर अरेंजिंग प्रॉब्लम स्टेटेड इन द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ दिस चैप्टर हेयर इज एन एक्टिविटी फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ़ द इन्वर्स प्रपोशन तो इन्वर्स प्रपोशन समझने के लिए यहाँ एक एक्टिविटी बताई गई है ओके okay. तो टेक अ स्क्र पेपर एंड अरेंज फोर्टी एट काउंटर्स ऑन इट इन डिफरेंट नंबर ऑफ रोज एज शोन बिलो तो फोर रोज हैं तो ट्वेल्व कॉलम्स बनते हैं राइट right? और सिक्स रोज लेंगे तो एट कॉलम बनेंगे राइट right? मतलब जितने कम रोज़ लेते हैं तो कॉलम्स ज़्यादा हैं और ज़्यादा रोज़ लेते हैं तो कॉलम कम हो जाते हैं राइट right? यहाँ रोज़ कितने हैं फोर तो कॉलम है ट्वेल्व लेकिन जैसे रोज़ बढ़ गई तो कॉलम कम हो गए क्योंकि फिक्स नंबर फोर्टी एट दिया है कि फोर्टी एट को ही हमें करना है तो दे आर इन इनवर्स द नंबर ऑफ रोज़ अगर टू लेंगे टू रोज तो कितना हो जाएगा ट्वेंटी फोर कॉलम हो जाएंगे नंबर ऑफ रोज अगर थ्री लेते हैं तो सिक्सटीन थ्री जा फोर्टी एट होता है फोर लेंगे तो ट्वेल्व फोर जा फोर्टी एट सिक्स लेंगे तो एट सिक्स जा सिक्स एट जा फोर्टी एट एट लेंगे तो सिक्स कॉलम बनेंगे राइट ओके तो जैसे जैसे नंबर ऑफ रोज बढ़ते जाते हैं तो नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होते हो जाते हैं डिक्रीज हो जाते हैं सो दे आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन ओके ये आपको लिखना है सब नोटबुक में वॉट डू यू ऑब्जर्व एज आर इंक्रीजेस सी डिक्रीज इज आर वन इज टू आर टू इज इकल टू सी टू इज इज टू सी वन तो यस राइट तो यस आएगा इज आर थ्री इज टू आर फोर इज इक्वल टू सी थ्री सी फोर इज टू सी थ्री तो ये ये भी आएगा यस आर आर एंड सी इनवर्सली प्रोपोशनल डीच इधर तो ये भी यस ट्राई दिस एक्टिविटी विथ थर्टी सिक्स काउंटर्स राइट तो थर्टी सिक्स काउंटर के साथ भी कर सकते हैं अगर थर्टी सिक्स है राइट तो टू रोज बनेंगे तो एटीन आएगा इधर थर्टी सिक्स डिवाइड बाई थ्री करेंगे तो ट्वेल्व थ्री जा होगा थर्टी सिक्स डिवाइड बाई फोर करेंगे तो नाइन आएगा थर्टी सिक्स डिवाइड बाई सिक्स करेंगे तो सिक्स आएगा थर्टी सिक्स डिवाइड बाई एट तो होगा नहीं राइट थर्टी सिक्स डिवाइड बाई एट क्या होगा नाइन फोर जा और टू फोर जा तो फोर पॉइंट फाइव से आएगा मतलब कम तो होगा राइट मतलब जैसे जैसे नंबर ऑफ़ रोज़ बढ़ते हैं तो नंबर ऑफ़ कॉलम काम होते हैं तो ये भी आपको अपनी नोटबुक में लिखना है ट्राई थी सब नेक्स्ट वीडियो में करते हैं ओके